लेकिन क्या जो जो षड्यंत्रकारी देश नहीं होते, जो अपनी अंधी महत्वाकांक्षा नहीं रखते संजय सोई साहब, वो हमेशा रिएक्शनरी ही रहते हैं क्या? या एक वक्त आता है जब वो षड्यंत्रों को समझकर अपने आप को पहले तैयार कर लेते हैं? नहीं, ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम इसमें थोड़ा पीछे रहे हैं। अभी ये पिछले दो साल से ही बीआरओ का बजट डबल किया गया कि ब्रिज जल्दी बनाए जाए। पहले वो 50 ब्रिज साल में बनाते थे, इस साल उनको 104 ब्रिज बनाने का टारगेट दिया गया, जिसमें 44 और 5 ब्रिज पहले बना चुके, 50 ब्रिज ये बना ही चुके। तो ये जो चीजें हैं, ये एक चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन पहले अशोक सज्जनार साहब से कंक्लूसिव रिमार्क मैं इस पे लेना चाहता हूं कि सर, सरकारों की तब्दीली के साथ हमारी विदेश और रक्षा नीति क्यों बदलती है सर? हाँ नहीं, इसमें देखिए मेरे विचार से नहीं होना चाहिए, परंतु जो चीन के साथ है, मेरे ख्याल से अभी जो हमने नीति बनाई है वो बिल्कुल आगे चलती रहेगी, क्योंकि चीन के साथ ट्रस्ट डेफिसिट अब इतना ज्यादा बढ़ गया है जो मेरे विचार से ये बहुत जल्दी नहीं पाट पाएगा। तो ये एक और अहम रिमार्क, एक और अहम इनसाइट कि पहले हालात यहाँ तक नहीं पहुंचे थे, लिहाजा कुछ हद तक हम भरोसा कर रहे थे ड्रैगन पर, लेकिन ड्रैगन अब सूरत वहां तक ले गया है जहां किसी तरह का भरोसा कायम नहीं हो सकता। ये ट्रस्ट डेफिसिट, ये खाई हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, लिहाजा अब भारत की तरफ से तैयारियों में मुमकिन है कि आप कहीं किसी तरीके की गुंजाइश ना देखें आइंदा दिनों में। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ आज की शाम इस आड़ी में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।